शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रवार को राज्य सहित विदर्भ में मानसून ने दस्तक दी है तो उपराजधानी में कई रिमझिम बरसात भी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने इस बार समय से एक सप्ताह पहले ही महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में दस्तक दी है। गुरुवार को इन राज्यों के तटीय इलाकों में मानसूनी बारिश ने जमकर भिगोया। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के अगले दो दिन पूरी गति पकड़ते हुए आगे बढ़ जाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र सहित विदर्भ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते पश्चिम घाट के इलाकों में जमकर भूस्खलन हो सकता है। तो राज्य के कई हिस्सों में 12 और 13 जून को भारी बारिश की संभावना देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे साथ मौसम विभाग से शाहू सर जी है। सर, राज्य सहित विदर्भ में मानसून ने जो है दस्तक दी है, साथ ही आज जो शहर में है बारिश भी हुई है, क्या बताओगे किस तरह का माहौल रहने वाला है, किस तरह का वातावरण बना रहने वाला है? अभी मानसून विदर्भ में आज प्रवेश कर चुका है और वर्धा से होते हुए नॉर्दर्न लिमिट ऑफ जो मानसून है वो वर्धा से होते हुए रायपुर तक जा रही है। तो उसके नीचे के जो हमारे जिले हैं गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वासिम, ये अभी यहाँ तक मानसून पहुँच गया है। नागपुर में अभी अगले 24 घंटे में या मतलब एक दो दिन के अंदर नागपुर में मानसून पहुँच सकता है। तो अभी चूंकि एक कम दबाव का क्षेत्र जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पे बना हुआ है और वो आगे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, तो उसके असर से संभावना है कि अभी अगले 24 घंटे में विदर्भ में भारी से अति भारी वर्षा होगी, एक दो जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेन भी हो सकता है। और उसके अलावा अभी तीन दिन, आज कल और परसों, 12, 13 और 14 को तीन दिन देश में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। और जिस तरह से अभी मतलब खेती के काम शुरू होने वाले हैं, भारी बरसात होगी, तो किसानों को किस तरह की एक मतलब जैसे कि बताते हैं ना कि अभी इस समय नहीं देना चाहिए, खेती में काम नहीं करना चाहिए, जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, बिजली हो सकती है, बिजली के साथ वर्षा हो सकती है, तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन जो है किसानों को दिए गए है? क्योंकि बारिश के साथ साथ में क्या बिजली भी गिरती है तो खेतों में काम करने से एक्सीडेंट का डर, लेकिन जैसे ही अभी एक दो दिन अभी जो बारिश हो रही है उसमें जब बारिश ना हो उस समय किसान अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। बारिश गिरते हुए में काम नहीं करना है उनको, उस समय सुरक्षित जगह पे रहना है, लेकिन जैसे ही बीच में थोड़ा मौसम खुला रहे तो उस समय वो अपने जो है अभी जो उनके जो मतलब जो बुवाई के पहले की जो एक्टिविटीज है वो अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा अभी दो तीन दिन के बाद में जैसे थोड़ी सी बारिश कम होगी तो वो अपने सामान्य खेती के काम शुरू कर सकते हैं। आपकी मतलब विदर्भ में कितने दिनों तक ये जो भारी वर्षा है ये होने वाली है? तीन दिन की संभावना है, अभी आज, कल और परसों, तीन दिन, उसके बाद वातावरण सामान्य हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद सर जी दी हुई जानकारी के लिए। थैंक यू। इनबीसी न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।